हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं स्मार्ट शरत टेक चैनल। फ्रेंड्स, आज है विजयादशमी, मीन्स दशहरा। दशहरा का पवित्र दिन पे आप लोग को मेरे और मेरे फैमिली का तरफ से हार्दिक 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 अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे BPCL से रिलेटेड और उसको कौन खरीद कर रहा है उसके भी रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, ये अपना ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं न्यू व्यूअर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइनिंग हो जाइए जो कि ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे है। फ्रेंड्स, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा ना, रोज़ मैं इंट्राडे कॉल BTST कॉल लेके आता हूँ, आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ मैं कौन से कंपनी का गुड न्यूज़, कौन से कंपनी में बैड न्यूज़ चल रहा है उसका रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जैसे कि आपका ट्रेडिंग सेशन में काम पे आएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते नहीं करते हुए अपना टॉपिक में बात करते हैं। बात करते हैं BPCL के बारे में। BPCL मीन्स फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL इज अ गवर्नमेंट सेक्टर ऑयल रिफाइनिंग कंपनी। ये BPCL जो कंपनी है, ऑयल कंपनी है, ये सरकार ने ये कंपनी को सेल करने के लिए फुल प्लान बना चुके हैं और ये 57.3% का सेल करने के लिए वो संसद से भी राय लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। क्यों ना, यानी मोदी सरकार ने रिप्लेसिंग एंड एमेंडिंग एक्ट 2017 में ख़त्म कर दिए थे, जो कि 187 पुराने और ओल्ड लॉ को निकाल दिए थे 2016 में। तो नवंबर में ये BPCL का हिस्सा सेल करने के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसका टेंडर लेके आ रहे हैं नवंबर को। नवंबर फर्स्ट वीक तक टेंडर आ ही जाएगा। ये न्यूज भी है और एक न्यूज भी है, BPCL खरीद करने के लिए इंडिया का नंबर वन कंपनी, BSE में टॉप वन में राज करने वाला कंपनी, आपको मालूम पड़ गया होगा, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर मिस्टर मुकेश अंबानी जी बोली लगाने वाले हैं, ये अनुमान कर रहा है मीडिया वाले ने। और इससे चलते हुए जापान का ब्रोकरेज हाउस नमूरा ने बोला है, अगर रिलायंस का हिस्सा इसमें हो जाएगा 25% ऑयल कारोबार में, हिस्सा उसका बढ़ जाएगा 25% तक हो जाएगा। रिलायंस की 3.4 करोड़ टन रिफाइन का क्षमता बढ़ जाएगा। BPCL का अब तक पेट्रोल पंप है 15,000 पेट्रोल पंप है, जो कि रिलायंस को रेडी में मिल जाएगा और रिलायंस उसको आज ही खरीद करते करते उसका प्रॉफिट करना चालू कर देगा। तो BPCL में 57.3% सेल करने के लिए सरकार को मिनिमम 60,000 करोड़ का फायदा मिलने वाला है। तो BPCL का एक शेयर 750 रुपीज़ से लेकर 850 रुपीज़ का हिसाब से उनका एक शेयर होने का अनुमान कर रहे हैं अपना मीडिया वाले। तो डायल अभी तक को अनुमान हो रहा है जे ये डायल नवंबर फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। BPCL अगर रिलायंस इंडस्ट्री ले रहा है तो ये सोने का अंडा देने वाला मुर्गी बन जाएगा BPCL रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। ये ऑलमोस्ट फाइनल हो रहा है, नवंबर फर्स्ट वीक तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो के रिलायंस का अंडर में आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक बिग न्यूज आप लोग के लिए। अगर आप लोग का पास रिलायंस इंडस्ट्री है तो अभी उसको सेल मत कीजिए। अगर आपका पास BPCL भी है,
ये शेयर भी बेचने के लिए मत घाई कीजिए। तो ये दो शेयर आप लोग को बहुत बड़ा मुनाफा देने का क्षमता रखते हैं। ये न्यूज़ था, मैं आप लोग का सामने पेश किया। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरे को तुम आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरा ये यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाइक दीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में मेरा ये वीडियो पोस्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।